एक एक सीट पर 1,000 अगर मोदी खड़े हो जाएं, तब भी बीजेपी 40 सीट नहीं जीत पाएगी लोकसभा में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया। और 2024 के बाद किसी के पास समय नहीं है, 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, 2024 के बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा और इस देश की अदालतें खत्म होंगी, जो विधानसभाएं हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सब खत्म होगा। ये जो आज घूम रहे हैं MLA कुर्ता कड़क कुर्ता पजामा पहन के, ये सारे कुर्ते पजामे खुंटी पटंग जाने हैं, वकीलों की जो कोर्ट है काले, ये भी खुंटी पटंग जाने, कुछ बचेगा नहीं। इसको समझने की जरूरत है, तो सबको मिलकर EVM को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तमाम पार्टियां इस वक्त कह रही हैं कि तीसरा मोर्चा बना लें, और आप लगातार बोलते हैं कि एक रिमोट से चलने वाली EVM आएगी 2024 के अंदर, थोड़ा उस लगा विश्लेषण करें, क्या है वो बारीकी से वह बताएं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आप कोई मोर्चा बना लें, अच्छी बात है मोर्चा बनाइए, लेकिन जो बीमारी है असली, जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है EVM, अगर आप उसको नहीं हटा पाएंगे तो आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। और 2024 के बाद किसी के पास समय नहीं है, 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, 2024 के बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा और इस देश की अदालतें खत्म होंगी, जो विधानसभाएं हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सब खत्म होगा। ये जो आज घूम रहे हैं MLA कुर्ता कड़क कुर्ता पजामा पहन के, ये सारे कुर्ते पजामे खुंटी पटंग जाने हैं, वकीलों की जो कोर्ट है काले, ये भी खुंटी पटंग जाने, कुछ बचेगा नहीं। इसको समझने की जरूरत है, तो सबको मिलकर EVM को हटाने का प्रयास करना चाहिए, संघर्ष इस पे करना चाहिए। EVM को हटा के अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, बीजेपी, मैं इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, एक एक सीट पर 1,000 अगर मोदी खड़े हो जाएं, तब भी बीजेपी 40 सीट नहीं जीत पाएगी लोकसभा में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया। क्या कारण है कि आज विपक्ष जो है वो EVM पे सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन भानु प्रताप है वे लगातार EVM पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ये तो वही जाने क्यों नहीं उठा रहे, क्यों डरे हुए हैं, क्या उन्हें दिक्कत है? भाई हो सकता है उन्हें CBI का डर हो सकता है उन्हें ED का डर हो सकता है इनकम का डर हो, तो हमें तो किसी चीज का डर है नहीं भैया, जिसको जो लगता है भेज दे, ED भेज दे, CBI भेज दे, जिसको भेजना भेज दे, हमें तो डर नहीं लगता। और वैसे भी हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी होते हैं वो डरते नहीं है, इन कीड़े मकोड़ों से क्या डरेंगे। भानु प्रताप जी, अगर EVM होती तो पंजाब के अंदर बीजेपी हारती नहीं, आम आदमी पार्टी वहां पे जीती है, क्या कहेंगे? कौन है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही हिस्सा है, वो RSS की पार्टी, क्या आप जानते नहीं है? आम आदमी पार्टी कहां से पैदा हुई? अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन दिल्ली में जिस समय चल रहा था उसको पूरी फंडिंग कौन कर रहा था, पैसा कौन दे रहा था, मीडिया किसका था, आदमी किसके थे? सब RSS के लोग थे, आप सब जानते हैं। और वो खुद भी कह रहा, केजरीवाल कहता नहीं, मैं तो जनसंघी, पुराना जनसंघी है मेरा परिवार तो। और उसी के लिए जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो लोग देश में मोदी से खपा है वो इसको समझे कि भैया यही दे सकता है, मोदी को टक्कर तो उधर चले जाएं। सिर्फ ये मूर्ख बनाया जा रहा RSS के माध्यम से, ये उन्हीं की टीम है, कोई फर्क नहीं है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।